अब आपको शौक करवाने लगे हैं यार, पाकिस्तान में फर्स्ट एंड ओनली। अच्छा तो जैसे यार आपको ड्रैगन ने शौक करवाया भाई ने, ठीक है माफ करेंगे बस। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका? यार बड़ी देर हो गई थी, अच्छा बड़ी देर हो गई थी, कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था, मैंने कहा एग्जाम से फ्री हो पी नहीं, वीडियो हमारी इंशाल्लाह आएगी। आज हम आए हुए अमीन भाई के सेटअप पे, ठीक है, उनके बेटे हैं अमरेश भाई। पाकिस्तान में इन्होंने क्या कहते हैं ड्रैगन बीट कराई इंट्रोड्यूस, तो बड़ा अच्छा शो हो गया इनका। बाकी आपको अमरेश भाई बताएंगे कौन कौन से उन्होंने बीट रखी है और क्या क्या जानवर है। जी अमरेश भाई, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो जी जैसे कि माशाल्लाह ये भाई हमारे लिए काबिल एहतराम है, तो इन्होंने कुछ चीज़ें भी हमसे बाई की हैं, ये आज आए थे। तो माशाल्लाह अमीन असील मेरा जो टिकटॉक चैनल है और फेसबुक का भी चैनल है मेरा, तो जैसे कि माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज्जत दी है अल्लाह ताला ने। खास तौर पे जो मेरे पास फेमस ब्रीड है वो है ड्रैगन ब्रीड, जिसमें थाई ड्रैगन है और इंडियन ड्रैगन है। जो इंडियन ड्रैगन है वो माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है, ठीक है, वो बहुत रेयर है। इंडियन ब्रीड है वो तमिलनाडु की, जिसमें लॉन्ग टेल में है, स्किन उनकी ब्लैक है, आईज ब्लैक हैं और बहुत खूबसूरत है। आपको आगे माशाल्लाह वीडियो में उनका शौक भी करवाएंगे। और इसी के साथ साथ थाई ड्रैगन है जो माशाल्लाह पिछले 6 से 7 साल में पाकिस्तान में कारोबार के हवाले से बहुत माशाल्लाह बेस्ट जा रहे हैं। बहुत से ऐसे भाई हैं जो माशाल्लाह मंथली 40 to 50,000 विदाउट एनी स्ट्रगल अर्न कर रहे हैं, और माशाल्लाह कुछ भाई हैं वो इसे अबव भी जो उनसे कर रहे हैं, और चंद सिर्फ एक दो पेयर से। तो जो मेरे भाई फ्री टाइम में को कारोबार करना चाहते हैं, बर्ड्स का कारोबार सबसे बेस्ट कारोबार है, जिसमें माशाल्लाह आप अर्न भी कर लेते हैं, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता, आप गलत और बुरी सोबत गैदरिंग से भी बच जाते हैं, और बड़े बड़े अच्छे लोग हैं इस एक्टिविटी के अंदर, बड़ी प्यारी हॉबी है। ये इनका ड्रैगन पेड़ है यार, ये सब मतलब जो ड्रैगन ब्रीड इस टाइम पूरे पाकिस्तान के अंदर आपको नजर आ रही है ना, ये उन सब का क्या कह लिया उसको ब्रीडर है, मेन ब्रीडर है यार, फर्स्ट टाइम इन्होंने इम्पोर्ट किया था। ऐसे ही अमरेश भाई? बिल्कुल ऐसे ही सर, सबसे पहले यही इम्पोर्ट हुआ था और इसे इस वक्त पाकिस्तान में माशाल्लाह 6 साल हो गए। अच्छा इस ब्रीड की क्वालिटी बताइए, क्वालिटी क्या इस ब्रीड की? इस ब्रीड की ये क्वालिटी है कि इनकी जो स्किन और आईज है ना वो ब्लैक होती है। जैसे एक फैंसी ब्रीड चली हुई है अयाम सी मानी, वो फैंसी में आते हैं, ये माशाल्लाह ब्यूटी में और ये दूसरे फाइटर मकसद के लिए भी यूज होते हैं। सही सही। एक और आपको इनका इंडियन ब्रीड का शौक करवाते हैं, शौक करने ये भी इंडिया से बोलते हैं यार, ये भी ये पेयर ही इंडिया से मंगवाया, वो फीमेल है, फीमेल की टेल जोन सी है वो कट करती है, क्योंकि ब्रीड अच्छी और ज्यादा ब्रीड लेने के लिए ना इनकी टेल जोन सी है वो काटनी पड़ती है। सही। ये पेयर भी माशाल्लाह इंडिया से इम्पोर्ट। ये यार अमरेश भाई का फार्म है, इन्होंने छत पे माशाल्लाह बड़ा प्यारा सेटअप किया हुआ है, ठीक है, अभी आपको शौक करवाते हैं सर। अच्छा तो जैसे यार आपको ड्रैगन ने शौक करवाया भाई ने, ठीक है माशाल्लाह इनके पास एक वाइट ब्यूटी पड़ी है, बहुत प्यारा माशाल्लाह हीरे का पेयर है। इसकी इनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं कौन सा मियाँ वाली में है, कौन से नस्ल में है। ये अमरेश भाई क्या सीन है इसका? ये भाई जान मियाँ वाली में से ही है और प्योरिटी में माशाल्लाह हीरा पेपर वाइट है। बेसिकली थोड़ा बहुत जो ये बॉस्क है ना, ये कलर हर एक में आता है, ठीक है। मेन चीज होती है इनकी आईज, इनकी नलियां, इनके नेल, ठीक है, इनके माशाल्लाह मोरे, हर चीज में माशाल्लाह क्वालिटी में पूरे हैं। और माशाल्लाह मेल के स्टैंडिंग पॉइंट्स देखे, बड़ा ही माशाल्लाह अग्रेसिव और खूबसूरत बर्ड है ये, देखिए माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह, आईज चेक करें इसकी, अग्रेसिव चेक करें, बहुत अग्रेसिव है ये, लाल डॉर वाली आंख है, वो कहते हैं व्हाइट आईज है, व्हाइट नलियों में है ये माशाल्लाह। मादी का शौक करें, मादी भी माशाल्लाह क्वालिटी में पूरी है, मादी ब्लू ब्लू आईज में है, व्हाइट नॉर्मली में है, ब्लू आईज में है, नेल तक माशाल्लाह इनके व्हाइट है। ये करीब लाइव शो क्रैश हो मादी की आंख का, बस ठीक है, बस ठीक है। अब आपको शौक करवाने लगे हैं यार, पाकिस्तान में फर्स्ट एंड ओनली, ठीक है, अमरेश भाई ने इम्पोर्ट करवाया है इंडियन लॉन्ग टेल ड्रैगन। ये जी माशाल्लाह पाकिस्तान का बहुत ही रेयर बर्ड है, ब्लड लाइन वाइज भी, क्वालिटी वाइज भी, ये पाकिस्तान में आज से पहले कभी किसी ने इम्पोर्ट नहीं करवाया ड्रैगन लॉन्ग टेल में, इंडियन में, पैरट बीक में, ब्लैक आईज में। थाई ड्रैगन पाकिस्तान में काफी फेमस हो चुके हुए हैं, ये वाहिद वो ब्रीड है जो पाकिस्तान में कभी माशाल्लाह आज से पहले ना किसी ने दिखाई ना किसी ने मंगवाई। सबसे बड़ी जो उसकी खासियत है वो उसकी लॉन्ग टेल है। सिंपल पैरट भी आपने देखे होंगे लॉन्ग टेल वाले, मगर ये ड्रैगन में काले गोश्त वाले, काली आंख वाले, माशाल्लाह पैरट बीक में, लॉन्ग टेल में आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, माशाल्लाह इसकी ब्यूटी देखें टेल की। आगे आगे टेम्पर टेल का शौक रहे हैं इसकी, ये
माशाल्लाह देखें अभी जरा टोटी हुई है, चेक टेम्पर टेल पूरी पैक देख, जो इंडियन का तमिलनाडु की होती है, इसके फेस तो बहुत फेस क्वालिटी माशाल्लाह देखें। ये माशाल्लाह कॉइन फेस में है, जिसे पैरेट बीक भी फेस आप कह सकते हैं। इसका माशाल्लाह ताज देखें, जो इसे हमारे पाकिस्तानी पुराने खूबसूरत किल्ली ताजे बर्ड होते थे ना, इसका वैसा ताज है माशाल्लाह। माशाल्लाह देखें ब्यूटी। अब आप भी उसके फीमेल का तो जाते हैं शौक, उसी फीमेल ले गए हैं। फीमेल अब आपको देखें, और माशाल्लाह भी हमारे पास इसकी फीमेल आ गई है। ये भी इंडिया से इम्पोर्ट हुई है, ये इंडिया से वाया दुबई, ये इंडिया से ओमान मस्कत, ओमान मस्कत से दुबई, दुबई से माशाल्लाह पाकिस्तान ये बर्ड आए हैं। तो ये काफी स्ट्रगल वाला काम है, ये इजी काम नहीं है किसी बर्ड को खासतौर पे इंडिया से मंगवाना। तो ये माशाल्लाह ये भी लॉन्ग टेल में है, मगर इसकी टेल जोन सी है वो काट दी है, क्योंकि ब्रीडिंग में थोड़ा इशू होता है अगर इनकी टेल जोन सी है वो बड़ी हो। बाकी माशाल्लाह ये फीमेल का भी शौक करें, इसका माशाल्लाह चेहरे का शौक करवाएं। ये क्वालिटी आपको पूरे पाकिस्तान में किसी के पास नहीं नजर आएगी, और इम्पोर्टेड में। ये माशाल्लाह इसकी ब्यूटी देखें, ये बहुत खूबसूरत टेल है माशाल्लाह, बहुत बड़ी टेल है, ये तो काट दी हुई है, देखिए माशाल्लाह फीमेल। आपको इनके चीज का करवाते हैं शौक, सिर्फ मैं आपको एक चीक दिखाता हूँ क्वालिटी क्या निकाल रहे हैं, ठीक है। अभी शेरोज भी माशाल्लाह आपको इनके चूजों का शौक करवाते हैं, एक मेल दिखाते हैं, आपको पता लगे कि माशाल्लाह क्वालिटी क्या चीज है। ये इंडियन लॉन्ग टेल क्या चीजें हैं माशाल्लाह, ये देखे माशाल्लाह माशाल्लाह क्वालिटी के हैं। ये मेल का शो करें माशाल्लाह, मेल के चेहरे का शो करें, अभी से राउंड फेस में है, और माशाल्लाह इसकी टेल देखें, अभी बिल्कुल बच्चा है, ठीक है। टेल माशाल्लाह इसकी देखें, ये है क्वालिटी जो पूरे पाकिस्तान में रेयर है। क्वालिटी बतानी नहीं पड़ती, क्वालिटी चीज खुद जा रही है, क्या चीज है ये देखें, पूरा कॉइन हेड है इसका, आंख का शौक करें आप, ठीक है, ब्लैक स्किन है। और ये तो सिर्फ अभी आपको एक मेल का शौक करवा रहे हैं, इसमें माशाल्लाह बहुत बहुत क्वालिटी हमारे पास इंट्रोड्यूस हुई है। ये जी माशाल्लाह सिर्फ शेरोज भाई की फरमाइश पे, इनके इसरार करने पर मैं अपने ये दो बर्ड का, दो चूजों का शौक करवा रहा हूँ, वरना ये मैंने जल्दी इनका शौक नहीं करवाना था, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक चीज है। सबसे पहले तो माशाल्लाह जरूर बोलिएगा इन दोनों को देखकर, ये जी माशाल्लाह पाकिस्तान के क्या इंडिया में भी ये बहुत रेयर है, वाइट ड्रैगन, ठीक है, लॉन्ग टेल में, वाइट इंडियन लॉन्ग टेल ड्रैगन, पैरेट बीक फेस में, ब्लैक आईज में, ये माशाल्लाह क्वालिटी का शौक करें। इसके बाद आपको स्किन दिखाता हूँ, स्किन देखें इसकी माशाल्लाह, टेल देखें आप। आजकल मेरे कुछ भाई हैं वो ब्लू कलर को वाइट ड्रैगन बना के, वाइट कलर बना के, तो मार्केट में लोगों को बस गलत गाइड करते जा रहे हैं। तो मैंने वीडियो बनानी थी इन हवाले से, तो आज ही बनानी पड़ गई। बरल ये माशाल्लाह ये होते हैं जी वाइट, इसके पास से दोबारा शो करवाएं जरा कलर का, ये होता है पेपर वाइट, इसे कहते हैं क्वालिटी माशाल्लाह। अब आ जाए दूसरी तरफ, ये है जी ब्लू, ठीक है, ये ब्लू ड्रैगन है, जिसे लोग आजकल ब्लू ड्रैगन को वाइट करके बताते जा रहे हैं, ये है जी ब्लू ड्रैगन। तो ये माशाल्लाह मेरे इसी इंडियन पेयर में से ही इंट्रोड्यूस हुआ है, ये माशाल्लाह क्वालिटी देखें। अब ये क्वालिटी जैसे कुछ मेरे भाई हैं वो आपस में लड़ रहे होते हैं जी, ऐसी क्वालिटी है तो दिखाओ, वैसी है तो दिखाओ, मैं किसी को चैलेंज नहीं करता, मैं सिर्फ अपनी क्वालिटी से बताता हूँ कि ये क्वालिटी है तो जरूर दिखाओ। ये है जी माशाल्लाह वाइट, पाकिस्तान का रेयर बर्ड, वाइट में इंडियन ड्रैगन, सबसे बड़ी चीज लॉन्ग टेल में, ठीक है, ये माशाल्लाह क्वालिटी देखें। ले जी माशाल्लाह ये एक और मैं परिंदे का आपको शो करवा रहा हूँ, और ये भी माशाल्लाह बहुत यूनिक बर्ड है, जो प्योरिटी में बैक फुटर है, बर्मी, ठीक है, जिसे फ्री किक भी आप कहते हैं। तो ये ब्लैक कलर में बर्मी पूरे पाकिस्तान में बहुत रेयर है, आपको बर्मी मिलेंगे पीले कलर में, ठीक है, बहुत से कलर्स में मिल जाएंगे, बट ब्लैक कलर में बर्मी ये भी माशाल्लाह बहुत रेयर है। और ये क्वालिटी माशाल्लाह आपके सामने है, इसकी माशाल्लाह टेल देखें, ये इम्पोर्टेड बर्ड है, इसके साथ फीमेल लगाई है, वो भी माशाल्लाह इम्पोर्टेड है, वो कटर बर्मी में से है, ठीक है, ये योकीरी बर्मी ब्लड लाइन में से है,
और माशाल्लाह इसके चेहरे का शौक करवाएं जरा भाइयों को। आगे आगे हैं ब्लैक हील हैं इसके माशाल्लाह। जो तो माशाल्लाह फाइट का शौक रखते हैं ना ये, वो समझते होंगे इस चीज को कि ये क्या क्वालिटी है। माशाल्लाह नलियों का शौक करवाएं जरा। ब्लैक माशाल्लाह कीलों में है, चौरस नलियों में है, बहुत माशाल्लाह खूबसूरत चीज है। तो इसके चीक्स जोन से हैं वो आपको गारंटी से माशाल्लाह मिलेंगे जो भाई फाइट का शौक रखते हैं उनके लिए। बाकी शरोज भाई से पूछते हैं कैसे लगे इन्हें बर्ड। माशाल्लाह जी इनके पास एक से बढ़ के एक ब्रीड है। ठीक है, मजेदार ब्रीड ये है, मजेदार बात ये है कि इन्होंने दूसरों के ब्रीड से उठा के आगे सेल नहीं की, इन्होंने मेहनत की और बड़ी देर की इनकी वर्किंग है। ठीक है, और इन्होंने अपनी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाई है। सबसे पहले आपको याद होगा 2 साल पहले मेरे चैनल के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर शॉर्ट्स में वीडियो लगे ब्राउन ड्रैगन की। ठीक है, वो ड्रैगन की ब्रीड भी पाकिस्तान में किसी और के पास नहीं थी, वो भी बनाने वाले अमीन भाई हैं। ठीक है, और माशाल्लाह जो अब ड्रैगन है ये भी इन्होंने ब्रीड खुद तैयार की अपनी मेहनत के साथ और नॉलेज के साथ। ऐसी है बिल्कुल सर, बिल्कुल देखिए मेहनत की है और नज़र आती है। पिछले माशाल्लाह 6 से 7 साल से हम खासतौर पर ड्रैगन ब्रीड पर वर्क कर रहे हैं, तो बाकी माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में हमारी ड्रैगन ब्रीड बहुत फेमस है। बहुत बहुत भाई हैं जो कारोबार कर रहे हैं इस हवाले से, माशाल्लाह मंथली बहुत अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं। ये भी बी एस अकाउंटिंग फाइनेंस में की हुई है। ठीक है, और सिर्फ एज अ हॉबी लगे चल रहे हैं वैसे ही है। बिल्कुल सर, देखिए मैं माशाल्लाह कॉमसेट यूनिवर्सिटी से मैंने BS अकाउंट्स एंड फाइनेंस किया हुआ है। तो अगर शरोज भाई का मैं बता दूं, शरोज भाई भी माशाल्लाह CA कर रहे हैं, इनका कंप्लीट हो गया तकरीबन। ठीक है, तो ये माशाल्लाह बताने का ये मकसद है कि ये हॉबी बुरी नहीं है। ठीक है, आप इसमें बहुत सी बुरी सोहबत से बच जाते हैं, आप इसे अपना शौक बनाएं, शौक के साथ साथ आप अपना इसे बिजनेस बनाएं, और ये माशाल्लाह आपको बहुत अच्छा अर्न करके देता है। ठीक है, इसमें कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें माशाल्लाह आजकल जैसे आपको पता है कि मार्केट में बर्ड्स का कारोबार बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है। जो आप अपने घर बैठ के, जो मेरे भाई मेरे स्टूडेंट्स भाई जो फ्री टाइम में अपना इधर उधर बुरी सोहबत में अपना टाइम जो स्पेंड करते हैं, वो बजाय कि अपना टाइम कीमती ऐसे किसी बिजनेस में लगाएं, ठीक है, घर के घर भी, शौक का शौक भी, और आप मंथली अच्छा माशाल्लाह अर्न भी कर सकते हैं। अब रेस भाई एक बात, आपको नस्ली तो अक्सर होता है कि घर वाले या लोग वगैरह गुस्से होते हैं, पता नहीं मुर्गे रखे हैं क्या सेटअप है। अभी ऑनेस्टली बताएं कि आपने जो मुर्गे रखे हैं आपको इनसे अच्छी नहीं हो रही है। शरोज भाई देखें, मैंने माशाल्लाह इतना बड़ा अगर सेटअप बनाया हुआ है, ठीक है, तो मुझे अगर इससे अच्छी अर्निंग आ रही है तो ही देखें मैं इतनी स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो जॉब्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, बहुत सी जॉब्स हैं, मगर क्या है कि इसमें माशाल्लाह अल्लाह ताला इज़्ज़त भी दे रहा है मुझे, और बहुत से माशाल्लाह मैं पार्ट टाइम जो काम है उनसे भी बचा हुआ हूँ, बहुत अच्छी माशाल्लाह इनसे अर्निंग भी कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ के देखें, जब आपको अर्निंग आ रही हो ना तो आपके घर वाले भी खुशी रहते हैं, मेन चीज़ है अर्निंग, और अर्निंग हलाल तरीके से आ रही हो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। तो इसलिए ये माशाल्लाह बहुत अच्छा शौक है ख़ास तौर पर बिज़नेस के हवाले से। और आप बताइए, जो आपने अपना इंडियन नेल करवाया है, इंपोर्ट करवाया है, इसके थोड़े से वहाँ को आइडिया देंगे इसका रेट क्या है। शरोज भी रेट तो मैं प्रॉपर नहीं बता सकता, उसके कुछ रीज़न है, बहरहाल ये है कि इतना मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि समझ लें कि ये इतने के कॉस्टली आए हैं कि इसके बाद ना मैं कोई इन्हें मंगवाने के बाद मैंने 4 महीने तक कोई बर्ड परचेज नहीं किया। आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि मुझे कितने कॉस्टली पड़े होंगे कि मैंने इसके बाद 4 महीने तक कोई बर्ड इम्पोर्टेड परचेज नहीं किया। तो ये बहुत कॉस्टली ब्रीड है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि जो चीज़ मार्केट में जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई होगी उसकी सप्लाई कम होगी, जिसकी सप्लाई कम होगी उसकी प्राइस बहुत हाई होगी। तो ये इंडियन ड्रैगन जो हैं ये बहुत रेयर हैं, इस वजह से इनकी प्राइस भी हाई है और इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और ये बात बताने का आपको ये मकसद है कि माशाल्लाह इस ब्रीड, ये बहुत रेयर ब्रीड थी, ठीक है, उसकी डिमांड काफ़ी चल रही थी, इसीलिए ये इंपोर्ट करवाई गई है। और इंशाल्लाह सब देखने वाले भाइयों को ब्रीड बाय शो करवाएं, किसी भाई को चिक्स चाहिए हो, कोई भी चीज़ चाहिए हो, ठीक है, बायो के अंदर आपको इनका लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर का भी और फेसबुक पेज का भी, और जाके लाजमी फॉलो करें। ठीक है, और भाई जान मेरे पास डिस्काउंट है। बिल्कुल, जो शरोज भाई के रेफरेंस से आएगा उसे डिस्काउंट ही डिस्काउंट है, और बाकी तो शरोज भाई को पता है कि हम हर बंदे से ही मोहब्बत करते हैं, खाली रेफरेंस से नहीं, हर बंदे से ही मोहब्बत करते हैं। बाकी शरोज भाई हमारे भाई हैं, तो इनके रेफरेंस से जो आएगा उनसे खुसूसी प्यार किया जाएगा, खुसूसी मोहब्बत की जाएगी। ये जो हमारे सामने बर्ड देख रहे हैं, ठीक है, इस टाइम पाकिस्तान के अंदर जिस बंदे के पास मेन भाई की ब्रीड गई है ड्रैगन ब्रीड, ये सबका फोर फादर है। सबसे पहला बर्ड ये था जिससे आगे ड्रैगन बन गया, ठीक है,
और आजकल आपको बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं जो कह रहे भाई ड्रैगन बना लिया है, ठीक है, उनके पास भी इसके बच्चे भी हैं जिसके आगे वो कहते हैं देखना ही है। बाकी इसकी आपको क्वालिटी दिखाएं, आगे आगे इसकी नलियाँ दिखाएं आप, माशाल्लाह चोरस नलियाँ, खपरेल नलियाँ, इसे आप क्रोकोडाइल नलियाँ भी माशाल्लाह कह सकते हैं, क्रोकोडाइल शैंक्स है। बाकी आप इसके फेस का शोकर है, फेस का माशाल्लाह इसके शोकर है जी। आजकल ब्लू ड्रैगन हो गए, ठीक है, रेड ड्रैगन हो गए, ब्लैक ड्रैगन हो गए, बड़े बड़े ड्रैगन लोगों ने बना दिए हैं, पर अल्हम्दुलिल्लाह हर ब्रीड जो थी पूरे पाकिस्तान में बनाई गई है वो इस मेल से बनाई गई है, ठीक है, क्योंकि ये वाहिद वो मेल था जो पाकिस्तान में सबसे पहले इम्पोर्ट हुआ था, ठीक है। इसके बाद इस फार्म से, ये थाईलैंड के पंचूरियन फार्म से इम्पोर्ट हुआ था दो मेल, ठीक है, एक मेल अदील पंजवानी भाई हैं, ठीक है, बहुत अच्छा शो करते हैं, उनके पास गया था, और दूसरा मेल ये है जो हमारे पास माशाल्लाह, ठीक है, जो मेल था पहले वाला वो एक्सपायर हो गया था, ये दूसरा मेल माशाल्लाह आज भी हमारे पास है, ये ब्रीड भी कर रहा है और माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छे बच्चे माशाल्लाह प्रोड्यूस कर रहा है। तो बहुत से लोगों ने इस मेल के माशाल्लाह बच्चों से लाखों का कारोबार किया, हजारों का नहीं माशाल्लाह लाखों का, जो कर भी रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, ठीक है, तो वीडियो का खत्म करते हैं, ठीक है, जरूर आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आएंगे, अच्छे से शौक आपको दिखाएंगे, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।